नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं कि ये जो ब्रिक्स है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए और ये ब्रिक्स नेशंस के लिए भी, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेने वाले है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये जो ब्रिक्स नेशन है वो क्या है, उसके बाद ये देखेंगे ये ब्रिक्स या फिर कहे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे ये ब्रिक्स बैंक का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी यूपीएससी आईएएस एग्जाम की यूट्यूब चैनल में हम बेसिक सब्जेक्ट्स की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं और डेली द हिंदू के एडिटोरियल भी देते हैं और जनरल स्टडीज़ के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं ये ब्रिक्स है वो क्या है। ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो ब्रिक्स है इसका जो ये टर्म है ब्रिक्स, सबसे पहले जो गोल्डमैन सैक्स है उसके इकोनॉमिस्ट, उसने ये ब्रिक्स, पहले तो सिर्फ ये ब्रिक ही था लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया, इससे इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ये जो ब्रिक्स नेशन है वो वर्ल्ड की जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ये एक कंट्री ब्लॉक है, इसे ब्रिक्स कहा जाता है। हाँ, इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, इन सब के जो बड़ी बड़ी जो कंट्री है, इमर्जिंग पावर है, वो जो कि G20 की भी मेंबर है, वो सब इस ब्रिक्स नेशन की मेंबर है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये जो ब्रिक्स है वो इनके जो टोटली जो वर्ल्ड की जो लैंड एरिया है उसका ये 26% वर्ल्ड एरिया ब्रिक्स नेशन के पास है। 42% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसके 42% इस ब्रिक्स नेशन में रहती है। लेकिन ये जो वर्ल्ड बैंक में उसकी जो वोटिंग पावर है टुगेदर वो सिर्फ 13% है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसमें इसकी वोटिंग पावर 14.91% है। ये वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है उसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इसके अल्टरनेटिव के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये आईएमएफ के मुताबिक ये जो ब्रिक्स कंट्री है वो वर्ल्ड की जीडीपी का 22% इस ब्रिक्स नेशंस के पास है और जो वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो आने वाले ये जो 10 साल है उसमें उसका 50% जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं हुआ है तो इस ब्रिक्स नेशन में हुआ है, ये आईएमएफ का आईएमएफ ने एस्टिमेट किया है। अब ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो कुछ जो वेरियस फील्ड्स है जैसे कि इकोनॉमी है, ट्रेड है, फाइनेंस है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, कल्चर, थिंक टैंक्स और जो फ्रेंडशिप सिटीज है उन सब में ये ब्रिक्स नेशन है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और ये जो इसी कोऑपरेशन का नतीजा है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक और ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अब ये इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम थोड़ी ब्रीफ में जानेंगे, उसके पहले ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि जो सीआरए है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो सीआरए है ये एक ढांचा है जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट के समय ब्रिक्स देशों का जो ज्यादा लिक्विडिटी और अन्य साधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। ये शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर की स्थिति में लिक्विडिटी और प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्रिक्स राष्ट्रों को ये फाइनेंशियल एड प्रदान करता है। ये जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है जो कि $100 बिलियन का है ये उसको अरेंजमेंट ये कंटिजेंट रिजर्व फंड से आता है। अब देखते हैं ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है पहले उसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है।
और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है वो एक दो या ज़्यादा देशों के बीच का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसका जो प्राइमरी एम होता है वो प्रॉफिट की बजाय सिर्फ डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करना होता है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का, ये जो IMF और ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों और ये जो एशिया डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब जो बैंक है उसको मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो सब इसको जो सब रीजन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के तौर पर जाना जाता है। ये बैंक को, ये जो बैंक है वो ब्रिक्स कंट्री द्वारा ऑपरेट की जाती है और इसको वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि अमेरिका द्वारा समर्थित माने जाते हैं, अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड मानी जाती है, और इस वर्ल्ड बैंक और IMF पर वेस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन ये जो यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्री है उसके पास हमारे इंडिया और ये जो रशिया है उनके जो कंपैरिजन में इन जो छोटे छोटे देश है उनके पास ज़्यादा वोटिंग शेयर है। इसीलिए भी ये जो ब्रिक्स बैंक है वो उसके अल्टरनेटिव के रूप में भी उसको जाना जाता है। अब ये जो ब्रिक्स बैंक है और या फिर ये जो CRA है वो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो जो प्रभुत्व था इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और वर्ल्ड इकोनॉमिक पर उसको ये थोड़ा कम भी कर सकता है, बैलेंस भी कर सकता है। और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। ये एक सहयोग नीति है जिसे पॉलिसी मेकर और जो शिक्षाविदों जो थे उसके द्वारा डेवलपमेंट कंट्रीज के बीच जो संसाधन टेक्नोलॉजी और जो नॉलेज का आदान प्रदान होता है उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। मेनली जो डेवलपमेंट कंट्री ही या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच जो ये जो कोऑपरेशन होता है उसको पॉलिसी मेकर्स ने इसको साउथ साउथ कोऑपरेशन नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर वाले जो ज़्यादा देश है, लेटिन अमेरिकन देश, साउथ एशियन देश है, अफ्रीकन जो देश है, वो सब इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर जाता है। इनके बीच जो कोऑपरेशन होता है उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है। उसका एक एग्जांपल है जो पान अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया द्वारा समर्थित है। जो 53 अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज है और इंडिया के बीच ये एक पान अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। और डेवलपमेंट कंट्री जो है उसको ये आशा है कि ये जो ब्रिक्स बैंक है वो हमारे ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो मनमानी जो करते हैं वोटिंग शेयर में और लोन्स के एग्रीमेंट्स में भी जो वो लोग मनमानी करते हैं उसको ये कम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका बैकग्राउंड जो होते हैं देखते हैं। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो आइडिया है वो सबसे पहले इंडिया द्वारा जो फोर्थ ब्रिक्स समिट दिल्ली में 2012 में हुई थी उस इंडिया द्वारा ये रखा गया कि हम ऐसी एक बैंक तैयार करेंगे अपनी खुद की जो जिससे हम वर्ल्ड बैंक और IMF को काउंटर कर सके। उसके बाद जो पांचवी ब्रिक्स समिट हुई थी डरबन में 27 मार्च 2013 में, तब जो सभी ब्रिक्स लीडर तब थे वो सब इस बैंक के डेवलपमेंट पर एग्री हुए और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसके बाद ये जो पूरा इस बैंक में क्या ढांचा होगा, इसका मैकेनिज्म क्या हुआ होगा उस वो सब ये जो छठी ब्रिक्स समिट फोर्टालेजा ब्राजील में हुई थी उसमें ये सब तय किया गया और एग्रीमेंट साइन किया गया। और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ब्रिक्स और ब्रिक्स बैंक और ये जो CRA मैंने अभी बताया वो किस डिक्लेरेशन के तहत इसको बनाया गया, तो आपको ये लिखना है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। और ये जो उफा में जो ब्रिक्स समिट हुई थी इसमें तय किया गया और ये जो एग्रीमेंट पहले जो साइन हुआ था फोर्टालेजा में उसको फोर्स में कब लाया गया, वो ये सातवीं जो ब्रिक्स समिट उफा में हुई थी उसके बाद ये पूरी तरह कार्यरत हो गया।
तो ये सब आपको याद रखना है, ये मेनली प्रीलिम्स में आपको पूछ सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो ब्रिक्स बैंक है उसका हेडक्वार्टर चाइना में, यानी जो शंघाई, उसका जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर रखा जाएगा। और पहले 5 साल के इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो केवी कामत, जो कि इंडिया के हैं, वो होंगे। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर वो ब्राज़ील के होंगे। इनोग्रल चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसमें जो 5 ब्रिक्स नेशन है उसके जो यूनियन मिनिस्टर, यानी कि जो उसकी फाइनेंस जो मिनिस्टर होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, वो सब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होंगे। और उसकी जो पहला जो रीजनल सेंटर होगा वो साउथ अफ्रीका में खोला जाएगा, जो कि जोहानिसबर्ग में खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पर मैंने बताया कि इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर है वो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। हमारे कौन है, हमारे अरुण जेटली जी है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स बैंक का वो क्या है, वो ब्रिक्स में नेशंस को जो लोन देगा उसका इस्तेमाल मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, उसको जो उसकी जो डेवलपमेंट होगी उसमें उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये जो ब्रिक्स बैंक है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो हेजीमनी, यानी कि जो उसका जो प्रभुत्व है उसको कैसे ख़त्म करें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो जब रशिया, चाइना और ये जो ब्राज़ील जैसे देश है वो उसको जो लोन लेने में भी जो दिक्कत होती थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज और मेनली जो यूएसए था, वो सब कंट्रीज जो थे वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए भी वो इस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करते थे। ये इसीलिए भी ये जो ब्रिक्स बैंक है वो काफ़ी हमारे लिए फायदा कारक होगा। जब रशिया और इंडिया जैसे देशों पर जो इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए जाएंगे, तब ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है वो लोन देने में तब हिचकिचाएंगे और मना भी कर सकते हैं, तब ये जो ब्रिक्स बैंक और ये जो सीआरए है वो काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। और जो दूसरे डेवलपमेंट कंट्रीज है, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है और आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है वो उनको जो लोन लेने में काफ़ी उनको जो परेशानी वहाँ से होती है उसके हल के तौर पर भी ये ब्रिक्स बैंक काम आ सकती है। और जो दूसरे डेवलपमेंट कंट्रीज है मेनली वेस्टर्न एशिया के, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदाकारक हो सकता है। अब उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो $100 बिलियन के साथ हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो चाइना है, उसने उसमें एक $41 बिलियन उसमें उसने दिए है। और ब्राज़ील, इंडिया और चाइना ने उसमें $18 बिलियन दिए है, और साउथ अफ्रीका उसने $5 बिलियन दिए हैं। अब ये जो ब्रिक्स बैंक का जो एग्रीमेंट है उनके आर्टिकल के तहत जो यूएन के जो दूसरे मेंबर है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स नेशन का जो शेयर होगा उसमें वोटिंग पावर वो 55% से कम नहीं होगा। और कुछ उसके बाद उसके जो कुछ फैक्ट्स है उसको भी उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिक्स नेशन में उसके जो आपसी सहयोग में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसीलिए भी ये ब्रिक्स बैंक आगे ऐसा काम करेगा उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ इश्यू ऐसे है जो बॉर्डर इश्यू है इसके और जो ट्रेड इश्यू है, क्योंकि हम चाइना हमारे यहाँ से काफ़ी इम्पोर्ट कम करता है और हम चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए भी ये जो ट्रेड वॉर भी एक तरह की कहे तो छिड़ सकती है। वहीं जो साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो अभी स्टेबल स्टेज में है, वो बहुत ही कम, यानी कि 0.6% से भी कम वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, इसीलिए भी इस बैंक की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वही ब्राज़ील की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो GDP ग्रोथ है वो भी 1% पर जो स्टेबल हो चुके है। वही रशिया है और वेस्टर्न कंट्रीज और मेनली यूरोपियन कंट्रीज जो है उससे ये इकोनॉमिक सेंक्शन को झेल रहा है, इसीलिए भी ये जो ब्रिक्स कंट्री है उस माफ कीजिएगा जो ब्रिक्स बैंक है वो इसीलिए फायदाकारक हो सकते हैं और इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। और ये जो चाइना है
ये अपने कुछ जो भारत विरोधी कुछ देश है और अपने समर्थित कुछ देश है उसको उसको मेंबर बनाना चाहता है। वो चाइना नहीं चाहता है कि भारत का प्रभुत्व इस ब्रिक्स बैंक में बढ़े, इसीलिए भी वो पाकिस्तान, तुर्की, मेक्सिको जैसे देश है जो कि इंडिया को काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर अपोज कर चुके हैं, उसको ये मेंबर बनाना चाहता है। तो ये था मेरा पूरा वीडियो ब्रिक्स बैंक के बारे में। आशा रखता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ, हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ऐसे ही जनरल स्टडीज के कुछ वीडियो आने वाले टाइम में भी हम आपको देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद।